वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा चश्मा बार बार लूज हो जाता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, ऐसा सॉल्यूशन चाहिए हमें जिससे कि हमारा चश्मा बार बार लूज ना हो, या फिर हमें मतलब कि कुछ ऐसी भी चीज़ हो जिससे, या फिर हम खुद उसे टाइट कर पाए। तो देखो, घर पे चश्मे को टाइट करना तो लगभग इम्पॉसिबल है। जो लोग जानते हैं, जो लोग इस फील्ड में जो लोग काम करते हैं इसका, उनको तो पता है, हालांकि वो कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को, जो लोग यूज़ करते हैं, उन लोगों को नहीं पता होता इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो लोग नहीं कर सकते। क्योंकि अगर वो करने की कोशिश भी करेंगे तो हो सकता है शायद फ्रेम को तोड़ दे, या फिर फ्रेम का बैलेंस जो है पूरा आउट कर दे। तो आप घर पर बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, आपको सिंपली जाना है अपने आसपास किसी भी शॉप पर, वहाँ पर जाकर के उसे टाइट करवा लेना है। लेकिन मेन बात तो यह है कि आखिर हमारा चश्मा लूज़ होता क्यों है। देखो, यहाँ पर मैं एक दो पॉइंट्स आपको बताऊँगा, अगर आप इन चीज़ों को ठीक तरीके से करते हो तो आपका चश्मा शायद कभी लूज़ ही ना हो, आपको उसकी नौबत ही नहीं आए कि आपको जाना पड़े उसके पास, किसी के पास टाइट करवाने। तो एक दो चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। सिंपल सी बात है, जब भी हम चश्मा यूज़ करते हैं तो हमारा प्लास्टिक हो या फिर फ्रेमलेस हो या फिर कोई भी हो, हाफ फ्रेम हो, तो हमारी एक बहुत ही बुरी गंदी आदत होती है चश्मा यूज़ करने की, कि हम उस टाइम तो यूज़ कर लेते हैं, शायद हमारे मन में ये बात नहीं आती कि बाद में इसका बैलेंस आउट हो जाएगा तो फिर हमें इसे ले के भागना पड़ेगा। तो हमारी जो गंदी आदत होती है वो ये होती है कि हम जब चश्मा लगाते हैं तो एक हाथ का यूज़ करते हैं, और यही सबसे बुरी चीज़ है। जब हम चश्मा पहनते हैं तो इस तरीके से पहन लेते हैं, चलो ठीक है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब निकालते हैं तब भी एक ही हाथ से निकालते हैं, या तो इस हाथ से या फिर इस हाथ से, जो भी हाथ हमारा फ्री होता है उस टाइम उसी हाथ से हम निकाल लेते हैं। इसे हड़बड़ी में से निकाला, इससे हड़बड़ी में से निकाला, यही कारण है आपके चश्मे के लूज़ होने का। जब भी वो बार बार लूज़ होता है और आपके फेस से नीचे सरकने लगता है, गिरने लगता है, आप उसको पहन नहीं पाते, उसके लूज़ होने का सिंपल सा एक कारण यही है। इसी वजह से आपका चश्मा लूज़ होता है, और कोई कारण नहीं होता उसका लूज़ होने का। देखिए, जब भी आप चश्मा आपने लगाया एक हाथ से इस तरीके से, और जब एक हाथ से इस तरीके से निकालते हैं तो इधर की स्टिक तो आपने पकड़ रखी है, इधर उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इधर स्टिक कान में फंसी हुई है वो उसकी स्प्रिंग पूरी की पूरी खिंच जाती है, और वो जिसमें स्प्रिंग नहीं होती उसका क्या होता है कि जब आपने इस तरीके से किया तो पूरा की पूरा प्रेशर इस वाली स्टिक पे जा रहा है, इस डंडी पे जा रहा है चश्मे की पे, तो धीरे धीरे बेंड होने लगती है उस तरीके से। आप इस तरीके से निकाल रहे हो तो वो उसी तरीके से बेंड होने लगती है, फिर आप कभी इस हाथ से भी निकालते हो तो इस हाथ से भी इसी तरीके से बेंड होने लगती है, इस साइड से भी। धीरे धीरे एक दो बार होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर, एक बार आपने इस तरीके से उतारा फ़र्क नहीं पड़ा, दूसरी बार आपने उतारा थोड़ा सा फ़र्क पड़ा लेकिन आपको पता नहीं चला क्योंकि इतने में किसी को पता नहीं चलता, तीसरी बार उतारा आपने फिर भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा लेकिन आपको फिर भी पता नहीं चला कि आखिर हमारा चश्मा लूज़ हो गया। लेकिन जब यही प्रोसेस उसके साथ बार बार होता है तो धीरे धीरे वो पूरी तरीके से जो स्टिक है उसकी साइड से बेंड हो जाती है, और इधर से बेंड हो जाती है तो चश्मा पूरा इस तरीके से चौड़ा हो जाता है, और उसका आप बोल सकते हो कि वो लूज़ हो जाता है। साथ ही साथ जब आप उतारते हो तो ज़रूरी नहीं है ऐसा सीधा उतारोगे, कभी इधर ऊपर से भी खींच लिया, कभी नीचे से भी खींच लिया, तो इस तरीके से उसका पूरा की पूरा बैलेंस भी जो है आउट हो जाता है, मतलब चश्मा भी ऊंचा नीचे हो जाता है, एक स्टिक ऊपर एक स्टिक नीचे, और साथ ही साथ वो चौड़ा भी हो जाता है तो वो फैल भी जाता है, मतलब कि आपके चश्मे का बैलेंस भी आउट हो गया और साथ ही साथ आपका चश्मा काफ़ी ज़्यादा लूज़ भी हो गया है। अब आपको करना क्या है, सिंपली जाना है किसी भी शॉप पे और वहाँ पे उसको टाइट करवा लेना है, खुद से नहीं करना है, खुद से करोगे तो आप उसको तोड़ दोगे या तो, या फिर उसका बैलेंस जो है बहुत ही ज़्यादा आउट कर दोगे। तो अगर आप ऐसे फील्ड में हो, ऑप्टिकल स्टोर पे आपने कभी काम किया है या फिर आप इन चीज़ों को जानते हो तो आप कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते, लेकिन आपने कभी नहीं किया है तो ट्राई ना करें, हो सकता है आप कर दो या फिर हो सकता है दो ही चीज़ें होगी, या तो आप कर दोगे या फिर उसे निपटा दोगे, दो ही चीज़ें होगी, तीन नहीं होगी। तो मैं तो सलाह नहीं दूंगा कि आप करो, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपके पास शीट का फ्रेम है तो इजी टाइट हो जाएगा, शॉप वाला भी इजी करके दे देगा आपको, टूटेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास TR मटेरियल या फिर पाउडर फ्रेम है तो उसको लगभग टाइट करना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि उस पर हीट नहीं होती है, हीट लगती नहीं है उस पर, अगर हीट नहीं लेगा वो गर्म नहीं होगा, गर्म होगा लेकिन हीट नहीं लेगा, मतलब पिघलेगा नहीं वो, तो अगर वो पिघलेगा नहीं, गर्म नहीं होगा, हीट नहीं लेगा, तो फिर मतलब उसको बैलेंस करना और पहले जैसी पोजीशन पे लाना, टाइट करना
इम्पॉसिबल है। अगर वो उसको करके भी दे देंगे तो वो धीरे धीरे आधे एक घंटे में फिर से वापस लूज़ हो जाएगा। तो जब आप फ्रेम खरीद रहे हो उस टाइम पे ध्यान रखो, अगर आपको लूज़ होने की प्रॉब्लम होती है या फिर अगर आप केयर कर सकते हो तो टीआर मटेरियल, पाउडर फ्रेम ये सब खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप केयर नहीं कर सकते, आप संभाल नहीं सकते, संभाल के यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको शीट का फ्रेम ही लेना चाहिए। वैसे भी आपको संभाल के यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि आप बार बार टाइट करवाने नहीं जा सकते। सिंपल सी बात है, आपको करना कुछ भी नहीं है, अपना चश्मा लेना है, दोनों हाथों से लगाना है और दोनों हाथों से उतारना है, बस इतना सा करना है। अगर आप ये चीज़ अप्लाई करते हो तो आपका चश्मा कभी लूज़ नहीं होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा और इतना जल्दी भी नहीं होगा। अगर आप सिंपली दोनों हाथों से उतारते हो और अगर आपके चश्मे में स्प्रिंग है और फिर आप दोनों हाथों से उतारते हो, दोनों हाथों से लगाते हो, तो अब भी आपका चश्मा लूज़ नहीं होगा। ये मैं बोल रहा हूँ, आप ट्राई करके देख लेना। लेकिन अगर आप इसी तरीके से उतारते हो तो कोई सा भी फ्रेम हो, ए टू जेड कोई सा भी फ्रेम, उसका बैलेंस भी आउट होगा और साथ ही साथ उसमें ढीला भी हो जाएगा, मतलब कि वो लूज़ भी हो जाएगा, वो वाली प्रॉब्लम भी आएगी। तो ये हमारी वजह से होता है, हम लोग सोचते हैं कि यार मतलब उसने फ्रेम ऐसा दे दिया ऑप्टिकल स्टोर वाले ने, या फिर जहाँ से भी हमने मंगाया उसने हमको फ्रेम जो है बकवास दे दिया, घटिया दे दिया, ये बार बार लूज़ हो जाता है, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन इसमें जो गलती होती है वो हमारी होती है, हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ में हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ये एक छोटी सी बात बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, इसलिए ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में? तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों हाथों से चश्मा पहनना है और दोनों हाथों से उतारना है। अगर आप ये छोटी सी चीज़ अप्लाई करते हो तो आपका चश्मा कभी लूज़ नहीं होगा, ये चीज़ तो मैं बोल ही देता हूँ। साथ ही साथ आपके लेंसेज भी जो साइड में से क्रैक हो जाते हैं वो चीज़ें भी नहीं होगी, जो हाफ फ्रेम में ज़्यादा दिक्कत आती है कि जब भी हम चश्मा इस तरीके से उतारते हैं तो साइड से लेंस जो है थोड़ा थोड़ा क्रैक होने लग जाता है क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ता है, लेंस बेंड नहीं हो सकता, फ्रेम हल्का फुल्का बेंड हो जाता है जब प्रेशर पड़ता है हम निकालते हैं, तो लेंस बेंड नहीं हो सकता, तो उसी वजह से जो है वो साइड से हल्का फुल्का टूटने लग जाता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती है हमारे चश्मे पर। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपका चश्मा कभी लूज़ नहीं होगा, आपको कभी भी उसे टाइट कराने के लिए बार बार भागना नहीं पड़ेगा। मैंने देखा है हमारी शॉप पर ऐसे लोग आते हैं जो हर 3 दिन में चश्मा टाइट करवाने आते हैं, हर 3 दिन में, फिर हम उनको बिठा करके समझाते हैं कि आपको इस तरीके से इसे यूज़ करना है, इस तरीके से पहनना है और इस तरीके से निकालना है। जब हम उनको ये चीज़ समझा देते हैं तो उसके बाद वो नहीं आते, काफ़ी दिनों बाद आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आते, काफ़ी दिनों बाद आते हैं और बोलते हैं कि हाँ अब ठीक है, अब थोड़ा सही है, फिर भी वो मतलब कभी ना कभी आदत होती है तो जाती नहीं है, तो निकाल ही लेते हैं, तो उस वजह से वो उनका लूज़ होता है वरना नहीं होता है। तो गाइस ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।